अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोस्टेट वंड की जनरल लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला पहला जो लेक्चर है ना, वो है इम्प्रेशन एंड इम्प्रेशन टेक्निक्स पे। इस जो है ना टॉपिक में हम जो है ना कवर करने वाले हैं इम्प्रेशंस की पूरी डिटेल, इम्प्रेशन मटेरियल्स, इम्प्रेशन ट्रेस, इम्प्रेशंस और के थ्योरीज और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो पहले पहले बच्चों आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन क्या है? इट इज़ द नेगेटिव लाइकनेस, मतलब इट इज़ द कॉपी। सिंपल आप ये कह लें, इट इज़ द इम्प्रिंट ऑफ योर टीथ, गम्स एंड अदर ओरल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब ये इज़ अ फोटो कापी है, जैसे आपके टीथ हैं ऐसे ऐसे ही जो है ना हमें एक प्रिंट बनानी है, ठीक है, आउट ऑफ द माउथ, ओके। तो ये होगी हमारी इम्प्रेशन। और दूसरी है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इम्प्रेशंस, क्योंकि हम प्रोफ्सों में मोस्टली इम्प्रेशंस की जो है ना यूजेज करते हैं। तो उसमें जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो है रिटेंशन, ठीक है, के स्टेबिलिटी, सपोर्ट, एस्थेटिक एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल स्ट्रक्चर्स, ओरल हेल्थ मीन्स बोन, ठीक है। ये जो है ना ऐसी क्यूज में पूछी जाती हैं, वाइवा में भी सवाल पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्प्रेशन, ये बच्चों आपको याद करने चाहिए, ठीक है। तो एक इम्प्रेशन लेने के लिए हमें हमें क्या क्या मतलब दरकार होता है, क्या क्या जो है ना चाहिए होता है। एक तो होता है हमारे इम्प्रेशन ट्रेस जो हम यूज़ करते हैं, दूसरा होता है इम्प्रेशन मटेरियल, ठीक है। तो इम्प्रेशन ट्रेस की हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना, और आपको हम समझाएंगे कि जो है ना इम्प्रेशन ट्रे क्या है, इम्प्रेशन क्यों यूज़ होती है, ठीक है ना। तो हम आते हैं इम्प्रेशन ट्रेस, ठीक है। इम्प्रेशन ट्रेस बच्चों क्या है? इट इज़ अ डिवाइस इन टू विच मटीरियल इज प्लेस टू मेक इम्प्रेशन। ये एक डिवाइस है, एक औजार है जिसमें हम इम्प्रेशन मटीरियल को डालकर के हम जो है ना पेशेंट्स के माउथ में इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्या? इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन ट्रे सिंपली, ठीक है। तो इम्प्रेशन ट्रे का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये है कि हमें जो है ना मटेरियल को प्लेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। और ये सपोर्ट द इम्प्रेशन मटेरियल इन प्लेन्ड कॉन्टैक्ट। प्लेन्ड कॉन्टैक्ट मतलब बिल्कुल एक जैसे जो है ना कॉन्टैक्ट दिलाती है ओरल स्ट्रक्चर्स में। दूसरी है टू सपोर्ट द इम्प्रेशन मटेरियल व्हेन रिमूव फ्रॉम द माउथ सो दैट कास्ट कैन बी पोर्ड। तो मतलब उसमें जो इम्प्रेशन लेते हैं उसमें एक सपोर्ट मिल जाती है कि हम जो है ना उसकी कास्ट बना लें, इसको हम पोर कर सकें हार्ड प्लास्टर से या सॉफ्ट प्लास्टर से पोर कर सकते हो। उसके बाद है कि इम्प्रेशन ट्रेस की जो है ना टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एक है स्टॉक ट्रेस, दूसरी होती है कस्टम ट्रेस। स्टॉक ट्रेस वो जो हमें मार्केट में मिलती हैं, ठीक है ना, तो हम उसको हम बोलते हैं स्टॉक ट्रेस, ठीक है। स्टॉक ट्रे मतलब मार्केट में मिलने वाले जो है ना ट्रे। कस्टम ट्रेस वो जो हम स्पेसिफिक खास पेशेंट्स के लिए जो है हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टॉक ट्रेस, ओके। तो कस्टम ट्रेस, स्टॉक ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ईडेंटुलस के लिए, दूसरी होती है डेंटुलस के लिए। बच्चों ईडेंटुलस की कौन सा मतलब? जिसके कोई भी दांत ना हो, ठीक है। डेंटुलस मतलब जिसमें कुछ दांत मिसिंग हो और कुछ हों, मतलब उसमें दांत हों सिंपली आप कह सकें। हम प्रोस्तों में तो वैसे भी हम बोलते हैं कि दांत मिसिंग हो, क्योंकि हम प्रोस्तों बनी हुई है, तभी जब दांत मिस होते हैं तो हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ई डेंटुलस के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं परफोरेटेड ट्रेस, दूसरी होती है नॉन परफोरेटेड ट्रेस, ठीक है। परफोरेटेड ट्रेस मतलब वो जिसमें हम पोर्स होते हैं जो मैकेनिकल रिटेंशन करवाते हैं मटीरियल की, ठीक है ना। नॉन परफोरेटेड जिसमें कोई पोर्स ना हो सिंपल। उसके बाद है डेंटुलस में हम परफोरेटेड पे ट्रे होते हैं, नॉन परफोरेटेड सेम टाइप। उसकी दूसरी टाइप होती है रिम लॉक। रिम लॉक मतलब एक लॉक होती है बीच में, प्लेट साइड जो है लॉक करती है, लेकिन परफोरेटेड सेम या रिम लॉक मोस्टली सेम ही यूज़ होती है ओपीडी में, ओके। तो आपको स्टॉक ट्रे समझ आया, बहुत ईजी है। और दूसरा हम अगर क्लासीफिकेशन करना चाहें तो एक क्लासीफिकेशन और भी होती है कि एक यूज़ होते हैं मेटल ट्रेस, दूसरे होते हैं जो है ना नॉन मेटल ट्रेस, जो प्लास्टिक वाले ट्रेस आते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेस भी हो सकते हैं, ये भी मतलब एक टाइप आप बना सकते हैं इसके, ठीक है। दूसरी होती है कस्टम ट्रेस। कस्टम ट्रेस मतलब जो हम स्पेसिफिक खास पेशेंट के लिए बनाए, तो उसको हम बोलते हैं कस्टम ट्रेस, ठीक है। तो वो कौन कौन सी मटेरियल से यूज़ बनती हैं, ये सवाल आता रहता है मोस्टली। तो दूसरा होता है कंपाउंड ट्रे। कंपाउंड मटेरियल होता है, क्योंकि कंपाउंड के जो है ना वो तीन टाइप होते हैं, एक होता है ग्रीन स्टिक, एक होता है ट्रे कंपाउंड, दूसरा होता है इम्प्रेशन कंपो, ठीक है। तीनों टाइप हैं जो है ना इम्प्रेशन कंपो के
टाइप्स हैं। इसमें एक है इंप्रेशन ट्रे, कंपाउंड ट्रे जो ट्रे बनाने के लिए यूज होता है, जिसे होता है शेलैक ट्रे, ठीक है ना। ये भी मटेरियल है, इसके भी ट्रे बनती है, इसको बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम एक्रेलिक की ट्रे। फिर जो है ना एक्रेलिक की ट्रे सेल्फ क्योर की भी बन सकती है, हीट क्योर की भी बन सकती है, ठीक है ना। तो इसमें एक्रेलिक ट्रे के दो और टाइप हैं, क्लोज फिटिंग एंड विथ स्पेसर एंड स्टॉप्स, ठीक है। क्लोज फिटिंग मतलब उसमें हम स्पेसर वगैरह नहीं देते, तो दूसरी स्पेसर मतलब हम ना क्या करते हैं, स्पेसर बनाते हैं, फिर हम जो सेल्फ क्योर लगाते हैं तो ऊपर स्पेस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पेसर। दूसरा जो मेन का एमसीक्यू भी आता है कि जो है ना ओल्ड डेंचर से भी हम जो है ना कस्टम ट्रे को बना सकते हैं। ओके, ये होगी हमारी ऑल डिटेल ट्रे के इम्प्रेशन ट्रेस की बारे में। तो दूसरा एक सवाल दूसरे भी आता है कि जो है ना क्या खासियत खूसियात होनी चाहिए इम्प्रेशन ट्रेस की, तो वो रिजिड होनी चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये भी जो है ना, और अगर हम ट्रे बनाते हैं कस्टम ट्रे तो वो फॉर सपोज 2 mm थिक होनी चाहिए। तो ये ना एक जो है ना इसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है सवाल कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्प्रेशन ट्रेस, ठीक है। तो ये रिजिड डायमेंशनली स्टेबल एंड 2 mm जो है ना उसकी थिक होनी चाहिए, फॉर कस्टम ट्रे की बात हो रही है इधर। उसके बाद है दूसरी, हम आते हैं इम्प्रेशन मटेरियल पे, ठीक है। तो इम्प्रेशन मटेरियल की क्लासिफिकेशन हम प्रोस्टोडोंटिक यूज़ पे करें तो प्राइमरी इम्प्रेशन आपको पता है कि हम चलो पहले पहले इम्प्रेशन लेते हैं, प्रीलिमिनरी इम्प्रेशन फर्स्ट, तो उसमें अलग यूज़ होती हैं। सेकेंडरी इम्प्रेशन में अलग मटेरियल यूज़ होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी इम्प्रेशन मटेरियल की हम जो ना बात करें, जो स्टार्टिंग में हम इम्प्रेशन में लेते हैं, फॉर सपोज एक ईडियंटुलस पेशेंट है जिसमें हम प्राइमरी इम्प्रेशन लेंगे, तो उसमें हम मीडियम फ्यूजिंग इम्प्रेशन कॉम्पो यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट क्या है कम्प्लीटली ईडियंटुलस है या पार्शली ईडियंटुलस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड। हाइड्रोकोलॉइड जो है ना एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जिसमें अगार अगार आता है और जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो ना स्पेशल ट्रे आते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। और दूसरी होती है इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलॉइड जो हम नॉर्मली ओपीडी में इस्तेमाल करते हैं हमारा अल्जीनेट, ठीक है। उसके बाद है फॉर सेकेंडरी इम्प्रेशन। ये दोनों याद करनी है कि एमसीक्यू में पूछी जाती है प्राइमरी इम्प्रेशन के लिए हम कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर सेकेंडरी इम्प्रेशन जो है ना, हम जिसको हम वॉश इम्प्रेशन, फाइनल इम्प्रेशन, ठीक है ना, फाइनल इम्प्रेशन, सेकेंडरी इम्प्रेशन, ये तीनों एक ही नाम है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो पहला है जिंक ऑक्साइड जुजिनॉल, ठीक है, पेस्ट हम यूज़ करते हैं फॉर सेकेंडरी इम्प्रेशन, ठीक है। दूसरी है नॉन जुजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट हम यूज़ करते हैं, वो भी सेकेंडरी इम्प्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरी है माउथ टेम्परेचर वैक्सीज, ठीक है ना। माउथ टेम्परेचर वैक्सीज भी हम सेकेंडरी इम्प्रेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये मोस्ट ये इम्प्रेशन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें करेक्शन करनी होती है किसकी इम्प्रेशन, फाइनल इम्प्रेशन की करेक्शन के लिए भी जो है ना इसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रबड़ बेस इम्प्रेशन। रबड़ बेस इम्प्रेशन कुछ नहीं है, जो हमारा सिलिकॉन वाला इम्प्रेशन है उसको हम बोलते हैं रबड़ बेस इम्प्रेशन। वो भी इधर हम सेकेंडरी इम्प्रेशन, फाइनल इम्प्रेशन, इधर वॉश इम्प्रेशन यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जिको हम केवेक्स के नाम पर मशहूर है, तो वो यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद है दूसरी हम क्लासिफिकेशन करें तो बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी के बुनियाद पर हम जो है ना इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है रिजिड, दूसरी होती है इलास्टिक। रिजिड मतलब सख्त हो, ठीक है। तो वो इम्प्रेशन जिसमें रिजिडिटी होनी चाहिए तो वो है जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इम्प्रेशन पेस्ट, इम्प्रेशन कॉम्पो एंड इम्प्रेशन प्लास्टर। ये तीनों जो है ना रिजिड में आती हैं, ये बीसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। और उसके बाद है इलास्टिक इम्प्रेशन। इलास्टिक में जो है ना अल्जीनेट और इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन यूज़ आते हैं, ठीक है। एक बात आपको याद करनी है, तो इलास्टिक इम्प्रेशन हम यहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे सीवियर अंडरकट्स होते हैं या फ्लैबी रिजिड होती हैं। ये बीसीक्यूज में पूछी जाती है, वाइवा में पूछते हैं, जहाँ पे फ्लैबी रिजिड होते हैं और अंडरकट्स होते हैं वहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल नहीं बल्कि अल्जीनेट इम्प्रेशन यूज़ करते हैं, ओके। तो एक बेस्ड ऑन बेसिटी एक रिजिड होती है, एक इलास्टिक होती है। रिजिड में हमारे पास अल्जीनेट आती है, उसके बाद इलास्टिक इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन आते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो अल्जीनेट में जो है ना अल्जीनेट और जो है इलास्टिक है इम्प्रेशन, वो हम जो है ना अंडरकट्स और फ्लैबी रिजिड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप इसकी जो है ना पिक वगैरह ले लें, ठीक है ना। ये आपको नोट्स वगैरह में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम आगे जो है ना मैंने पहले से लिख लिए क्योंकि टाइम सेव हुआ आपका भी। उसके बाद जो है ना थोड़ा प्राइमरी इम्प्रेशन और सेकेंडरी इम्प्रेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो प्राइमरी इम्प्रेशन है
उसका मतलब यह है कि इसको प्री लिमिनरी इंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इंप्रेशन यूज फॉर डायग्नोसिस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टम ट्रेस, ठीक है। मतलब पहले पहले हम डायग्नोसिस के केस में जो मॉडल बनाते हैं ना, ठीक है ना, वो हम प्री लिमिनरी प्राइमरी इंप्रेशन, ठीक है ना, बनाते के मतलब लेकर फिर बनाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टम ट्रे मतलब जो प्राइमरी मॉडल होगा उस पर ही हम जो है ना एक ट्रे बनाएंगे सेल्फ क्योर की, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना उसको हम बोलते हैं क्या, कस्टम ट्रे, ठीक है। मतलब प्राइमरी इंप्रेशन के हमारे दो मकसद हो गए, एक तो डायग्नोस के लिए, कस्टम ट्रे बनाने के लिए, ठीक है। सेकेंडरी इंप्रेशन जिसको हम सेकेंडरी पे जिसको हम फाइनल इंप्रेशन बोलते हैं, वॉश इंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक इट इज़ द कंप्लीट कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये आखिर तक जो भी जो है ना हमारे कंप्लीट जो है ना चीज़ें हैं उसको जो है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये यूज होता है, मतलब हर चीज़ में आ जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि प्राइमरी इंप्रेशन लेने के बाद हमें जो है ना कुछ चीज़ों को रिलीफ देना होता है, कुछ चीज़ों को जो है ना वो हमारे जो है ना वो स्ट्रेस देना होता है, तो ठीक है ना, ये दोनों को कवर कर लेता है, तो उसको तभी बोलते हैं ना वॉश इंप्रेशन, आखिरी फाइनल इंप्रेशन, ठीक है। तो हम जो है ना कुछ डिफरेंशिएट पढ़ेंगे प्राइमरी इंप्रेशन और सेकेंडरी इंप्रेशन के जो है ना बीच में, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती हैं और वाइवा में पूछी जाती हैं और एसईक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं। अगर एसईक्यूज़ में आए तो आप इस तरीके से लिखना, इंशाल्लाह ताला आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहली पहली बात पर्पज़ क्या होता है, ठीक है ना। प्राइमरी इंप्रेशन का पर्पज़ ये होता है कि टू रिकॉर्ड द डायमेंशन ऑफ द इडेंटिटीलेस आर्थ, ठीक है ना। मतलब पहले पहले प्राइमरी इंप्रेशन डायग्नोसिस के लिए जो है ना पूरी डायमेंशन हमें बता देती है कि ये डायमेंशन हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इंप्रेशन। सेकेंडरी इंप्रेशन वो टू रिकॉर्ड द फाइन डिटेल्स, ठीक है। मतलब आखिरी जो डिटेल बनती हैं, फाइन डिटेल्स होती हैं ना, उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी इंप्रेशन, ठीक है। उसमें हम जो स्टॉक ट्रे यूज़ करते हैं नॉर्मली जो ओपीडी में मिलते हैं जो है ना वो मार्केट वगैरह में, तो स्टॉक ट्रे मतलब कोई स्पेसिफिक पेशेंट के लिए नहीं होते। बाकी जो ट्रे इसमें सेकेंडरी इंप्रेशन में यूज़ होती है ना वो स्पेशल ट्रे होते हैं, ठीक है ना, जो हम खुद बनाते हैं स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसकी यूजेस क्या हुए, पोरिंग द प्राइमरी कास्ट, ठीक है ना, प्राइमरी कास्ट को जो है ना पोर करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल, ठीक है ना, या मतलब कोई स्पेशल ट्रे बनाने के लिए या कोई स्पेशल पेशेंट बनाने के लिए कुछ बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको प्राइमरी इंप्रेशन को, ठीक है। इसकी यूज़ क्या होगी, पोरिंग द मास्टर कास्ट, मास्टर कास्ट को पोर करने के लिए, मतलब आखिरी हमारा जो फाइनल मॉडल है ना उसको बोलते हैं मास्टर कास्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अक्लूजन ब्लॉक्स को यूज़ करनी है, और कंप्लीशन ऑफ द डेंचर, डेंचर को कंप्लीट करने के लिए जो है ना हर चीज़ में आ जाती है, तो उसमें जो है ना उसको के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है मटेरियल यूज़, कौन कौन सी मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा पूछ जाती है। मटेरियल जो है ना हम यूज़ करते हैं इंप्रेशन कॉम्पो और अल्जीनेट। अब याद रखने में आपको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लूँ, अगर पेशेंट है ईडेंटुलस, कम्प्लीटली ईडेंटुलस, तो हम इंप्रेशन कॉम्पो यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ना इंप्रेशन कॉम्पो यूज़ करके फिर जो है ना हम जो है ना वो इंप्रेशन कॉम्पो यूज़ करेंगे। और जो है ना अगर पेशेंट के ऊपर दांत हैं, कुछ दांत हैं, कुछ मतलब सेडल एरिया है, कुछ दांत हैं, तो हम क्या करेंगे, इंप्रेशन कॉम्पो यूज़ करेंगे, करके वहाँ पे जहाँ पे दांत है ना उसको हम रिमूव करें कर लेंगे और उसके ऊपर अल्जीनेट का इंप्रेशन लेंगे, ठीक है। अगर कम्प्लीटली डेंटुलस है तो फिर हम क्या करेंगे, अल्जीनेट का इंप्रेशन लेंगे, नो नीड फॉर इंप्रेशन कॉम्पो। और दूसरी बात, जहाँ पे अंडरकट्स हों तो फ्लेबरेज हों और सिवियर अंडरकट्स हों तो फिर भी अल्जीनेट को हम प्रेफर करेंगे, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो जो है ना सेकेंडरी इंप्रेशन में जो मटेरियल होते हैं वो है इंप्रेशन प्लास्टर, हम जो पहले पहले यूज़ करते थे, अब तो यूज़ खास नहीं होता। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है जिंक ऑक्साइड जूजिन और होता है जिसको हम केवेक्स बोलते हैं, केवेक्स इंप्रेशन। और दूसरा होता है रबड़ बेस्ड जो सिलिकॉन इंप्रेशन के ना। एक बात याद रखें, प्राइमरी इंप्रेशन और लेने के बाद हम जो है ना सेकेंडरी इंप्रेशन मतलब वॉश इंप्रेशन से पहले हम ग्रीन स्टिक की जो है ना पेरिफेरी भी लेते हैं, तो उसको भी याद रख लेना, उसको बोलना नहीं, ठीक। ये हो गया आपका इंप्रेशन और उसके उस इंप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं इंशाल्लाह ताला वो क्लियर कर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।